अस्सलाम वालेकुम दोस्त, अभी चलती हैं पिज़्ज़ा की सैर करती हैं बैठे बैठे। लीनिंग टावर दुनिया की मशहूर बिल्डिंग में से एक है, ये कहना ज़्यादा मुनासिब है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। 22 जुलाई 2020 का दिन था। द लीनिंग टावर मुकम्मल होने में 2 सदियां लगी। इसकी तमीर का आगाज 1173 में बोनानो पिज़ानो ने किया। आर्किटेक्ट को इस बात का एहसास नहीं था, ये रेत और चिकनी मिट्टी पर बनाया जा रहा था। तमीर के दौरान झुकना शुरू हो गया था क्योंकि इसके नीचे रेत और मिट्टी थी। 1990 में इसका झुकाव 5.5 में चला गया था, ये बिल्कुल गिरने के करीब था। इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, इसके नीचे से काफी रेत निकाली गई, ये झुकना खत्म हो गया। टिकट बाय करती हैं, फिर अंदर चलती हैं। अंदर से कैसा है ये देखिए, अंदर से ऐसा है, इसकी सूरज की रोशनी नीचे तक आ रही है, ऊपर शाइन मिरर लगा हुआ है, इसकी वजह से रोशनी अंदर आ रही है। यह लगता है एक हॉल है, इसकी काफी हाइट है, इसके ऊपर जाने के लिए 296 स्टेयर हैं। चले अभी सीढ़ियां चढ़ना शुरू करती हैं। ये 8 मंजिलें हैं। 1990 में जब इसको बंद किया गया था, बंद 10 साल के बाद इसकी रीओपनिंग होगी। 2001 में इसको विजिटर के लिए खोला गया। थैंक्स गॉड, इसलिए हमने भी देख लिया। सीढ़ियां चढ़ना सच में तकलीफ देह है, आपका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, साथ में पानी की बोतल भी होनी चाहिए। इसकी वजह से इन्होंने डिस्टेंस ट्रांसमीटर दिए थे, 1 मीटर से फासला कम होने पर ये बी करता है। ये देखिए भाई साहब, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, पूरे बहुत ज्यादा चमक रहा है। इसकी वजह से गर्मी काफी ज्यादा है। आई थिंक ये लास्ट हम पहुंचने वाले हैं, तो फाइनली हम इसकी छत पर आ गए। यहाँ से देखे पिज्जे का व्यू कितना प्यारा आ रहा है, कलरफुल ब्राइट में चमक रहा है, यहाँ से आँखें नहीं खुल रही, यहाँ से व्यू लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। बेसिकली एक बेल टावर है, आपको यहाँ से दिखाता हूँ, वो मेरा जिधर से रोशनी जा रही थी। बस बहुत प्राणियां जब टावर तमीर किया गया था कट की हैं। ये था कंपनेले मतलब बेल टावर। अभी चलते हैं नीचे तेज तेज, और ये गया ट्रांसमीटर उसकी बकेट में। चलते हैं पियासा दी मीरा कोली। डुओमो दी पिज़्ज़ा की तमीर 1063 में की गई। इसका आर्किटेक्ट है बुस्केटो। तमीर में बेजेंटीन और मॉरिश का टच नजर आता है। टच के अंदर इंपोर्टेंट आर्टवर्क भी है, गोल्डन कलर से सीलिंग की गई है। चर्च के अंदर सेंट रेन्यूस का टॉम भी है, पिज्जा का गार्डियन कहा जाता है। अभी चलते हैं पिज्जा की तीसरी अहम बिल्डिंग की तरफ, तीसतेर कहा जाता है, इंग्लिश में बेबस्त्री कहते हैं। 1152 में निकोला एंड जोवानी पिज़ानो ने बनाया था। सदी के बाद इसे दोबारा तमीर किया गया। ये 14th सेंचुरी में मुकम्मल हुआ। जब यहाँ ऊपर आती है गैली की तरफ, आपको डबल साउंड आएंगी। इस तेरह को छोड़कर कैंपो सांतो की तरफ चलती है। ये कोर्ट यार्ड में वेल्थी पीपल को दफनाया जाता था, कई सदियों तक कब्रिस्तान की तरह इस्तेमाल होता रहा। द्वारों पर फ्रेस्को से बहुत प्यारा आर्ट किया गया था, इसमें से काफी डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो बहुत इम्प्रेसिंग है। आर्टवर्क को देखते हुए खत्म करता हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो सब्सक्राइब करें। याद रखे इसके साथ ही।